हेलो यूट्यूबर्स, आज है 2 दिसंबर और आज है कंप्यूटर साक्षरता दिवस तथा आज ही के दिन यानी कि 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। कल 1 दिसंबर था और कल विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है और आने वाला कल यानी कि 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप डे के रूप में मनाया जाता है। फ्रेंड्स, दिनों से संबंधित एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, दिसंबर माह से संबंधित महत्वपूर्ण दिवस जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड हैं, वो आप हमारे चैनल पर उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो लेकर आएँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त हो तथा इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी भरी वीडियो आपको रेगुलर बेस पर प्राप्त होती रहें। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले हम बता दें कि हम इस वीडियो में आपसे क्या क्या शेयर करेंगे। इस वीडियो में हम कंप्यूटर जनरेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं, कुछ महत्वपूर्ण एब्रीवेशन लेकर आए हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आई हुई हैं, जैसे IAS, PCS, SBI, IBPS, UGC NET, इसी प्रकार के जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनमें कभी ना कभी IV एब्रीवेशन को इनमें सम्मिलित किया गया है। कौन कौन सी विंडो हुई हैं अब तक और उनके कब कब से रिलीज़ के ईयर हैं, वो सब महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। साथ ही इस वीडियो में ई कॉमर्स कंपनियों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हैं तथा कुछ महत्वपूर्ण MCQs हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखना तथा हो सके तो इस जानकारी को अपने पास अलग से नोटबुक पे नोट कर लें जिससे ताकि वो आपको फ्यूचर में याद रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है और यह 2001 के बाद से शुरू हुआ है। यानी कि विश्व साक्षरता दिवस 2 दिसंबर कब से मनाया जाता है, यह सन 2001 से मनाया जाता है। चलिए यह जानते हैं कि यह क्यों मनाया जाता है। तो उस अवधि के दौरान पहले ही दुनिया भर के कंप्यूटरों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा था। हालांकि सभी देशों को कंप्यूटर या इंटरनेट तक पहुंच नहीं थी, लेकिन उन क्षेत्रों या देशों के बीच विभाजन या अंतर को कम करने की आवश्यकता थी जिनके पास अभी तक कंप्यूटर की पूरी साक्षरता नहीं थी। इसलिए वर्ष 2001 में दुनिया के विभिन्न देशों में कंप्यूटर साक्षरता दर को देखते हुए इस दिन यानी कि 2 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर घोषणा की गई कि इस दिन विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसी दिन कई देश, संगठन और स्कूल अपने उपयोगों और अपने पास उपस्थित साधनों के माध्यम से कंप्यूटर साक्षर बनाने के लिए मुफ्त कंप्यूटर पाठ्यक्रम और बुनियादी ज्ञान प्रदान करते हैं। फ्रेंड्स, कंप्यूटर बनाने में सिलिकॉन धातु का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है और विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में बनाए जाते हैं, इसलिए इसे सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है तथा भारत में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर बेंगलोर में बनाए जाते हैं, इसलिए बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। कंप्यूटर को उनके डेवलपमेंट के आधार पर 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। चलिए जानते हैं कि वो पीढ़ियों का समय क्या था और उन पीढ़ियों में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी प्रयोग की गई तथा उन पीढ़ियों में कौन कौन से कंप्यूटर विकसित किए गए। सबसे पहली पीढ़ी है 1946 से 1956। इस पीढ़ी की मुख्य विशेषताएं क्या थी कि इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। पंचकार्ड पर आधारित थी। संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया। यह बहुत ही नाजुक और कम विश्वसनीय थी क्योंकि जब भी गणना की जाती थी हमेशा रिजल्ट गलत ही आते थे। बहुत सारे एयर कंडीशनर का प्रयोग किया जाता था तथा इस जनरेशन में मशीन तथा असेंबली भाषाओं में प्रोग्रामिंग की जाती थी।
पहली पीढ़ी के कुछ कंप्यूटरों के नाम हैं एनएक, एडवेक, यूनिवेक, आईबीएम 401, आईबीएम 650। दूसरी पीढ़ी का समय था 1956 से 1964। इस पीढ़ी की मुख्य विशेषता थी वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊर्जा की कम खपत करने वाले उपकरण प्रयोग किए गए ट्रांजिस्टर की वजह से, क्योंकि ट्रांजिस्टर साइज में छोटा था और ऊर्जा की कम खपत करता था वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में, जिस वजह से ये अधिक तेज और विश्वसनीय हुए, रिजल्ट सत्य आने लगे। प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा कम खर्चीले थे। इस जनरेशन में कोबोल और फोर्ट्रेन जैसी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास किया गया। कोबोल का मतलब है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जिसका प्रयोग कमर्शियल सॉफ्टवेयर बनाने में प्रयोग किया जाता था, और फोर्ट्रेन का है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, जिसका प्रयोग विज्ञान से संबंधित सॉफ्टवेयर बनाने में प्रयोग किया जाता था। इस पीढ़ी में संग्रहण डिवाइस, प्रिंटर और ऑपरेटिंग सिस्टम आदि का भी प्रयोग किया गया। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आपको हमारी वीडियो की अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर भी ज़रूर शेयर करें, जिससे और भी कैंडिडेट्स इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। दूसरी पीढ़ी के कुछ कंप्यूटर के नाम हैं IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604, CDC 3600, यूनिवेक 1108। तीसरी पीढ़ी का कार्यकाल था 1965 से 1971। इस पीढ़ी की क्या विशेषताएं थी? इस पीढ़ी में IC का यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया, जो कि प्रथम और द्वितीय पीढ़ी की अपेक्षा आकार और वजन में बहुत कम था। यह अधिक विश्वसनीय था, पोर्टेबल और आसान रखरखाव था, उच्च स्तरीय भाषाओं का बहुत अधिक प्रयोग किया गया। तीसरी पीढ़ी के कौन कौन से कंप्यूटर थे? तीसरी पीढ़ी में बनाए गए कंप्यूटर थे IBM 360 सीरीज, हनीवेल 6000 सीरीज, PDP पर्सनल डाटा प्रोसेसर, IBM 370/168 और TDC 316। चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथी पीढ़ी। चौथी पीढ़ी का कार्यकाल था 1971 से 1985। इस तकनीक में VLSI टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया। VLSI टेक्नोलॉजी का पूरा नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यह आकार में बहुत ही छोटी थी, साधारण आदमी की क्रय क्षमता के अंदर थी, अधिक प्रभावशाली, विश्वसनीय और अद्भुत गतिमान थी, अधिक मेमोरी क्षमता थी। कंप्यूटरों के विभिन्न नेटवर्क का प्रयोग किया गया और इसी पीढ़ी में इंटरनेट से कंप्यूटरों को जोड़ा गया। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों के कुछ नाम इस प्रकार हैं DC 10, Star 1000, PDP 11, Cray 1, जो कि एक सुपर कंप्यूटर था। चौथी पीढ़ी में सुपर कंप्यूटर Cray 1 था, दूसरा Cray XMP सुपर कंप्यूटर दूसरा था। नेक्स्ट है पांचवी पीढ़ी का कार्यकाल 1985 से अब तक वर्तमान तक है। इस पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और मजबूत बनाया जा रहा है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस के कॉन्सेप्ट पर सारे काम किए जा रहे हैं, पैरेलल प्रोसेसिंग यानी मल्टी प्रोसेसर को और भी अधिक प्रयोग किया जा रहा है, सुपर कंडक्टर टेक्नोलॉजी को और उन्नत बनाया जा रहा है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस के साथ साथ मल्टीमीडिया फीचर्स को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, वॉइस सर्च, इमेज रिकॉग्निशन, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग की वजह से ये 5th जनरेशन कंप्यूटर के हिस्ट्री का सबसे अलग पार्ट है। चलिए देखते हैं कि इस पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर अब तक बन चुके हैं। डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटपैड, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, ये सभी पांचवी पीढ़ी में बनाए गए हैं। नेक्स्ट है एब्रीवेशन 3G 3rd जनरेशन, 3GP 3rd जनरेशन प्रोजेक्ट, 3GPP 3rd जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, AAC एडवांस्ड ऑडियो कोडिंग, AM/FM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, आर्पानेट, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, BMP बिटमैप, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, CDMA कोर डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फ्रेंड्स, इन एब्रीवेशन को अच्छे से तैयार कर लें, प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम में एब्रीवेशन से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। यहाँ पर हमने सभी महत्वपूर्ण एब्रीवेशन को शामिल किया जो कभी ना कभी
किसी ना किसी एग्जामिनेशन में आई हुई हैं। तो इन सभी एब्रीवेशन को अच्छे से तैयार कर लें। हम एब्रीवेशन के साथ साथ MCQs भी मिक्सअप किए हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। CDMA किट, कोर डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, CRT कैथोड रे ट्यूब, डेट डिजिटल ऑडियो टेप, डॉक डॉक्यूमेंट फाइल, डॉक डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, GIF ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, HP हैवलेट पैक गार्ड, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, IO इनपुट आउटपुट, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IC इंटीग्रेटेड सर्किट, IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज यूज इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर एज प्रोसेसर, प्रथम पीढ़ी में कौन सी टेक्नोलॉजी प्रोसेसर के तौर पर प्रयोग की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वैक्यूम ट्यूब। नेक्स्ट है फादर ऑफ कंप्यूटर, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फादर ऑफ पंच कार्ड प्रोसेसिंग, तो इसका सही आंसर है हरमन हॉलेरेट। फादर ऑफ पंच कार्ड, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरमन हॉलेरेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड 2003 डॉक्यूमेंट, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, .doc डॉक्यूमेंट फाइल। .ppt, ppt एक्सटेंशन है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का, txt फाइल है नोटपैड फाइल का, और .pdp ये एक्सटेंशन है फोटोशॉप फाइल का। फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। अब सबसे पहले क्वेश्चन से पहले हम MCQ से पहले देखेंगे कुछ और महत्वपूर्ण एब्रीवेशंस। नेक्स्ट है एब्रीवेशन IRC इंटरनेट रिले चैट, ISDN इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, ISH इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, JPEG जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, M3G मोबाइल 3D ग्राफिक्स। फ्रेंड्स यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। M3G मोबाइल 3D ग्राफिक्स, MP3 MPEG प्लेयर थर्ड, MPEG का मतलब है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MP4 MPEG फॉर वीडियो फाइल, मॉडम, मॉड्यूलेटर डीमोड्यूलेटर, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, सिम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। चलिए आप देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण MCQs। इन रेलवे विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज, रेलवे में निम्न में किस प्रकार का कंप्यूटर यूज होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है द जनरल फाइल एक्सटेंशन फॉर ए बैकअप फाइल ऑफ एनी अदर फाइल इज, बैकअप फाइल का एक्सटेंशन है ऑप्शन नंबर 2, .bak बैकअप फाइल, .ext एक्सटेंशन कोड है एग्जीक्यूटेबल फाइल, और .rar है रार फाइल का यानी कि जिप फाइल का एक्सटेंशन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी लैंग्वेज के फादर कहे जाते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेनिस रिची। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज फर्स्ट रिलीज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला वर्जन कब रिलीज हुआ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1983। अब कुछ महत्वपूर्ण एब्रीवेशंस देखते हैं।
PDF, Portable Document Format, PNG, Portable Network Graphics, SIM, Subscriber Identity Module, TCP/IP, Transmission Control Protocol, UPS, Uninterruptible Power Supply, URL, Uniform Resource Locator, USB, Universal Serial Bus, Wireless, Vital Information Resource Underseas, WML, Wireless Markup Language. फ्रेंड्स, इसके अलावा आप FTP यानी कि फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और FAT फाइल एलोकेशन टेबल को ज़रूर याद रखें, ये कई बार आपसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। अब कुछ MCQ से पहले देखते हैं हम विंडोज़ के रिलीज़, विंडो के वर्जन और उनकी रिलीज डेट। विंडो 1.01 नवंबर 1985, विंडोज़ 1.02 मई 86, विंडोज़ 1.03 अगस्त 86, विंडो 1.04 1987, विंडोज़ 2.03 दिसंबर 1987, विंडो 2.1 मई 1988, विंडोज़ 2.11 मार्च 1989, विंडोज़ 3 वर्जन आया था 1990 में। नेक्स्ट विंडोज़ 3.1 वर्जन आया था अप्रैल 1992 में। नेक्स्ट विंडोज़ NT 3.1 आया था 27 जुलाई 1993 में। NT का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी। विंडो फॉर वर्क ग्रुप 3.1 नवंबर 93, विंडो 3.2 आया था वर्जन 1993 में, नवंबर 1993 में। विंडो NT 3.5 आया था सितंबर 94 में। विंडोज़ NT 3.51 आया था मई 1995 में। विंडोज़ 95 आया था 24 अगस्त 95 में। विंडोज़ NT वर्जन 4 आया था 24 अगस्त 1996 में। विंडोज़ 98 आया जून 98 में। नेक्स्ट विंडोज़ 2000 आया था फरवरी 2000 में। नेक्स्ट है विंडोज़ ME मिलेनियम एडिशन आया था 14 सितंबर 2000 में। विंडोज़ XP आया था 25 अक्टूबर 2001 में। नेक्स्ट है विंडोज़ XP प्रोफेशनल 64-bit आया था 25 अप्रैल 2005 में। फिर इसके बाद विंडो विस्टा आई 30 जनवरी 2007 में। विंडो 7 आई 22 अक्टूबर 2009 में। विंडो 8 आई 26 अक्टूबर 2012 में। विंडो 8.1 वर्जन रिलीज हुआ 17 अक्टूबर 2013 को। और नेक्स्ट है और लेटेस्ट है विंडोज़ 10 जो कि 29 जुलाई 2015 में रिलीज हुआ। चलिए देखते हैं कुछ बचे हुए MCQs। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी इज कॉल्ड बिग ब्लू, निम्न में से कौन सी कंपनी बिग ब्लू के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी IBM। IBM बिग ब्लू के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ए डेटा हायरार्की इज, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सबसे पहले बिट आएगा, फिर बाइट आएगा, फिर फील्ड आएगी, फिर रिकॉर्ड आएगा, फिर फाइल आएगा और फिर डेटाबेस आएगा। इसी प्रकार का क्वेश्चन UGC नेट के एग्जाम में भी पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आपको रेगुलर बेस पर प्राप्त होती रहे। साथ ही यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर और फेसबुक पर जरूर शेयर करें, जिससे ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड एंड व्हेन, भारत का पहला कंप्यूटर कब और कहां पर स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता 1955। भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में 1955 में स्थापित किया गया था। अब हम कुछ ई कॉमर्स कंपनियों से संबंधित जानकारी को देखेंगे, फिर उसके बाद बचे हुए MCQs चेक करेंगे कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। ई कॉमर्स कंपनी है फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट एक भारतीय वाणिज्यिक कंपनी है। इसकी स्थापना सन 2007 में
बेंगलोर में हुई थी और इसकी स्थापना बिन्नी बंसल और सचिन बंसल ने की थी। नेक्स्ट ई कॉमर्स कंपनी है अमेजोन। ये एक अमेरिका की इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्यिक कंपनी है। इसकी स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी और इसकी स्थापना जैफ बेजोस ने की थी। नेक्स्ट ई कॉमर्स कंपनी है स्नैपडील। स्नैपडील भी एक भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो कि दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना कुणाल बहल और रोहित बंसल ने की थी। नेक्स्ट ई कॉमर्स कंपनी है शॉप क्लोज। इसकी स्थापना जुलाई 2011 में बेंगलुरु में हुई थी और इसकी स्थापना संजय सेट्टी और राधिका अग्रवाल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट ई कॉमर्स कंपनी है होमशॉप 18। होमशॉप 18 की स्थापना 9 अप्रैल 2008 में हुई थी और इसकी स्थापना संदीप मल्होत्रा जी ने की थी। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि एक प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता को किस में मापा जाता है। दोबारा सुन लीजिए, आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन क्या है। आउटपुट क्वालिटी ऑफ ए प्रिंटर इज मेजर्ड बाई, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन नंबर एक है डॉट पर इंचेस, दूसरा है डॉट पर स्क्वायर इंचेस, थर्ड है डॉट्स प्रिंटेड पर यूनिट टाइम और लास्ट ऑप्शन है के ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर आपने फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में देना है। और दूसरा क्वेश्चन है फैट की फुल फॉर्म क्या है। चलिए, नेक्स्ट ई कॉमर्स कंपनी है पेटीएम। पेटीएम की स्थापना दिल्ली एनसीआर में हुई थी और इसकी स्थापना अगस्त 2010 में हुई थी और इसकी स्थापना विजय शेखर शर्मा जी ने की थी। नेक्स्ट ई कॉमर्स कंपनी है jobong.com और इसकी स्थापना गुड़गांव में सन 2012 में की गई थी। लक्ष्मी पेटलोरी परवीन सिन्हा और चंद्रमोहन जी ने की थी। नेक्स्ट ई कॉमर्स कंपनी है मंत्रा। मंत्रा बेंगलुरु में स्थापित हुई थी और इसकी स्थापना सन 2007 में हुई थी। ये इसकी स्थापना मुकेश बंसल, विनीत सक्सेना और आशुतोष लवनिया ने की थी। नेक्स्ट ई कॉमर्स कंपनी है ओएलएक्स। ओएलएक्स की स्थापना 2006 में हुई थी और इसकी स्थापना फैब्रिक्स ग्रिंडा ने की थी। नेक्स्ट ई कॉमर्स कंपनी है ईबे। ईबे एक अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है। इसकी स्थापना 3 सितंबर 1995 में पियरे ओमिडियार ने की थी। भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किस जाना जाता है। बेंगलोर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है तथा सैन फ्रांसिस्को जो कैलिफोर्निया यूएसए में है इसको सिलिकॉन वैली ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन में केवल कैलिफोर्निया दिया हुआ होता है तो आपको सही आंसर चुनना है कैलिफोर्निया। चलिए अब MCQs देखते हैं। आज का लास्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केबल कैन ट्रांसमिट डेटा एट हाई स्पीड। निम्न में से कौन सी केबल से डेटा हाई स्पीड से ट्रांसफर किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल केबल से। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इनपुट और आउटपुट डिवाइस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।